हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस यार, अभी बज रहा है 4:30 और मैं भी उठ गया हूँ भाई। यार अभी भी उठा हूँ इस वजह से यार लाइट के सामने आँख भी नहीं खोल पा रहा मैं भाई। नींद आज मेरी इस वजह से जल्दी उठ खुल गई क्योंकि भाई यार लाइट चली गई, पता नहीं कब है आज रात को। और भाई इतनी ज़्यादा यार मेरे को यहाँ पे गर्मी लग रही है, ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं ओवन के अंदर बैठा हूँ, कभी भी उबल सकता हूँ। फटाफट से यार यहाँ से चलते बाहर क्योंकि यहाँ पे तो भाई इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है कि भाई मेरी आज 4 बजे ही नींद खुल गई। तो भाई एकदम पूरा देख रहा भीग गया हूँ मैं। यहाँ से पहले बाहर चलते हैं भाई। भाई इतनी गर्मी थी यहाँ पे, एकदम ठंडा ठंडा फील हो रहा है। अभी तो एकदम देख लो शाम जैसी है, अभी 4:30 ही हुआ है। क्योंकि अभी ना मैं आ गया हूँ छत पे और भाई मौसम ना बहुत ही मस्त हो रखा है। नाश्ता भी यार बना नहीं था अभी सुबह सुबह, तो सुबह सुबह कुछ ना कुछ कैलरीज तो चाहिए, तो चने मैं लेके आ गया हूँ। और भाई यार मौसम देख रहो सामने की तरफ क्या ही मस्त हो रखा है, क्योंकि अभी एकदम सूरज निकलने वाले हैं तो अभी लाल लाल दिख रहे हैं। और भाई अंदर तो यार चारों तरफ रात भर एकदम बादल था, क्योंकि यार शाम टाइम आई थी आधी भाई कल एकदम शाम टाइम, तो अभी भी बादल है भाई। यार सुबह सुबह ना पानी बरसने लग गया है, हालांकि तेज नहीं बरस रहा है, थोड़ी थोड़ी बूंदें हो रही हैं। और एक तरफ भाई देख रहे हो सूरज चचा निकल बजे आ गए हैं और एक तरफ भाई पानी बरस रहा है। दिख कैसे रहा है भाई एकदम मौसम, देख रहे हो पानी की बूंदें गिर रही हैं, इधर की साइड गरज रहा है बादल, उधर से ही पानी आ रहा है भाई। और इधर का मौसम तो भाई कुछ अलग ही दिख रहा है ना एकदम, क्योंकि नीचे सूरज चचा निकले हैं और ऊपर बादल है। वाइड एंगल में और भी यार गजब दिख रहा है, देख रहे हो जहाँ जहाँ पे एकदम बादल नहीं वहाँ पे एकदम नीला दिख रहा है सुबह सुबह। वाइड एंगल की बात ही अलग है भाई, वाइड एंगल में कुछ अलग ही चीज़ दिखती है। अब तो भाई यार तेजी तेजी होने लग गया पानी, दिख रहा होगा देखो आवाज़ कर रही टीन पे। सुबह सुबह एकदम मौसम यार मेहरबान हो रहा है। और भाई यार मेरे को तो ये लग रहा है क्या, कितना यार गजब का लग रहा है आगे का व्यू यार, क्या ही मस्त दिख रहा है यार, एकदम मस्त सीनरी टाइप का भाई, यही थंबनेल रहने वाला है आज का, गजब दिख रहा है मेरे को भाई। तो भाई यार ना पानी तो हो गया है बंद और भाई एकदम मस्त हवा चल रही है एकदम कूल, तो अभी ना चलते यार नीचे क्योंकि अभी यार रास्ता वगैरह भी नहीं किया है। आज भाई यार मुझे बकरी लेके जाना पड़ेगा क्योंकि यार आज ना घर पे यार कुछ काम है, तो पापा यार वो काम करेंगे तो मुझे यार बकरी लेके जाना पड़ेगा। हो सकता है एक दो दिन लेके जाना पड़े क्योंकि आज का ही काम नहीं है, 2-3 दिन चलेगा, तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो अभी यार लेके जाते हैं, आज वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आज तो भाई एकदम बादल बादल है तो धूप भी ज़्यादा नहीं दिखेगी, लेकिन भाई हो सकता है कि निकल आए धूप, अभी फिलहाल तो बादल है। यार बकरी लेके आया था ना यहाँ पे, इतनी तेज हवा चल रही है, वो तो आप लोगों को देख ही रहा होगा कितनी तेज हवा चल रही है भाई, मेरे ये साउंड से ज़्यादा तो हवा का साउंड आ रहा होगा। और यहाँ पर पीछे आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा वहाँ पे उस जगह पे, दिखाता हूँ अभी सब भागे एक साथ, देखो पीछे वालों के सींग है भाई, ये पीछे जो है ना काले काले इनके सींग है, बाकी आगे वालों के सींग नहीं है भाई। और जहाँ आ रहे हैं जिसके खेत भाई सींग वाले भाई खतरनाक होते हैं, इनके पास चले जाओ क्या है भाई।
यार अभी ना टाइम हो गया घर जाने का, तो अभी चलते यार घर पे, क्योंकि यार काफ़ी टाइम हो गया है, 10 बज गया है। और फिर अभी धूप भी हो गई है यार, देख रहे हो। और ये पूरा खेत देखो पड़ा है, काम मतलब सब खाली पड़ा है इस टाइम पे। तो भाई यार चारों तरफ कहीं भी छोड़ दो, एक जगह बैठे रहो बस। मैं तो एमपी पेड़ के पास बैठा था आराम से छांव में। तो भाई यार घर पे तो आ गया हूँ, और भाई पूरे कपड़े एकदम मिट्टी मिट्टी हो गए, क्योंकि यार बाहर चल रही थी हवा, जिसकी वजह से यार मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ रही थी, तो पूरे ड्रेस देख रो ख़राब हो गई है। तो अभी ना पहले तो पानी भर के लाते हैं, नहा लेते हैं। भाई गर्मी लग रही है क्योंकि धूप हो गई है काफ़ी ज़्यादा। भाई यार नहा धो के हो गया हूँ रेडी, और अभी ना खाना खा लेते हैं, क्योंकि यार टाइम बज गया है 11। तो मतलब भाई यार सुबह नाश्ता करके गया था, तब से अभी कुछ नहीं खाया, तो देखते पहले बना के खाना, फिर खाना खाते हैं यार। तो यार खाना तो खा लिया है, अभी ना थोड़ा यार बाहर घूम के आते हैं, क्योंकि यार अभी ना धूप तो हो गई है, लेकिन थोड़ा टहल लेते हैं। अभी हाल हाल खाना खाया है, अभी लेट के सो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, पेट में गुड़गुड़ होगी फिर। भाई धूप एकदम कड़क कड़क निकली है। तो भाई यार अभी आ गया हूँ घर पे, अभी रूम में हूँ, तो अभी इसे स्क्रीन पर पूरा काला काला दिख रहा होगा, क्योंकि यार रूम पे यार पूरा तरीके से अंधेरा, लाइट आ नहीं रही है, क्योंकि अभी पता नहीं यार आज आएगी भी या नहीं आएगी। भाई यार आज दोपहर को मैं ऐसा सोया कि भाई कब 3:30 बज गया, मुझे पता भी नहीं चला, और लाइट आ रही थी यार पंखे में, यार सोता रहा पता भी नहीं चला इसी वजह से। तो अभी ना चलते बाहर, देखते हैं थोड़ा बहुत काम क्या है। तो भाई यार अभी ना बाहर गया था, बाहर देख के आ गया कि काम क्या है क्या नहीं है। भाई काम तो कुछ है नहीं आज मेरे को, लेकिन भाई धूप बड़ा तेज़ निकली है, अभी धूप जा ही नहीं रही। सुबह जितना बढ़िया एकदम मौसम था ना, एकदम पानी वानी होने लग गया था, और भाई एकदम मस्त बादल वादल थे, और उतनी एकदम देख रहे हो खुल गया है पूरा, कड़क कड़क धूप निकली है। तो बस मेरे को आज इतना काम है कि ये बकरी में गेहूँ पड़े हैं ये सब हटाने हैं यहाँ से, और बस अपनी गाय को जाके पानी पिलाना है, बस इतना काम है, बाकी दिनों की तरह बाकी और कुछ काम नहीं है। और लाइट यार मैं सोच रहा था रूम में बैठूंगा, लाइट भी चली गई अभी, तो भाई एकदम ओवन की तरह भपक रहा होगा मेरा कमरा। भाई ऐसी गर्मी में तो एकदम गर्म हो जाता है भाई, रात को चली गई थी ना लाइट, तो एकदम टेम्परेचर हाई फाई हो गया था। काम जो भी था वो कर दिया, क्योंकि धूप उधर चली गई थी, तो यहाँ पर ये गेहूँ पड़े थे सब मैंने समेट दिए। अभी चलते यार बाहर, बाहर चल के थोड़ी देर बैठते हैं, वहीं पे गाय खा रही है, जैसे ही खा लेगी तो उसको बस पानी पिला देंगे, उसके बाद काम अपना हो जाएगा ख़त्म, फिर तो कुछ करना नहीं है। भाई गाय के लिए पानी लेके आते हैं, क्योंकि यार अभी यार ना खा के वो खड़े हैं, तो पानी पी लेंगे तो भाई फिर से खाने लग जाएंगे, अपना एकदम फिनिश कर देंगी, अपना भी काम यार ख़त्म हो जाएगा। तो भाई यार अपनी गाय को पानी पिला के आ गया हूँ घर पे, अभी यार कुछ काम है नहीं, कहीं बाहर भी नहीं जाना है। तो फिलहाल यार इस ब्लॉग को ना यहीं पर एंड करता हूँ, होप करता हूँ आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक कर दो, इस चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में वापस, तब तक के लिए आरटी केयर एंड।